ये दोनों मिले हुए बिल्कुल अपने आप को बचाने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। शाबाश दुआ, शाबाश। शर्मा, आपको पता है कि सरफराज इसका मारा है? खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं बातें? तलाक दे से खत्म करें बात। नौशेरवा, दुआ को तलाक नहीं देगा। बाबा साहिब, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम जैसी डायन को पहचानने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। साईं जी, ये तो जवार की डायरी है। ये तो खो गई थी। इतने सालों बाद आपको कहां से मिली? मारने वाले ने इस निशानी को भी मिटाने की कोशिश की। ये तो भला हो जाफर का। जाफर, ये सब क्या है? जवाहर सिंह के इंतकाल के बाद कश्माला बीबी ने ये डायरी जो है चलाने के लिए पीरा को दी थी। और पीरा ने पता नहीं किसी मफाद के लालच में ये डायरी चलाई गई। और हाँ साहिब, जो आपको जहर दिया था वो दुआ बीबी ने नहीं दिया था, बल्कि कश्माला बीबी ने दिया था। पीरा इस बात का एतराफ कर चुकी है, ये जो डायरी है ये भी पीरा के कमरे से मिली है। पीरा, इस डायरी में मेरे बेटे ने अपना दिल खोल कर रख दिया था। कैसे तुम डायन बनकर उसके कलेजे को नोचती रही हो? जवार का शक तुम पर बिल्कुल ठीक था। ये शक खुलने से पहले ही तुमने उसे मौत के घाट उतार दिया।
आप ये क्या कह रहे हैं साईं जी? ज़वार पर हमला हमारे दुश्मनों ने नहीं किया, बल्कि उस दुश्मनी का फायदा उठाकर माला ने हमारे ज़वार को कत्ल कर दिया। हमसे हमारा बेटा छीन लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कश्माला आखिर ज़वार को क्यों मारना चाहेगी? क्योंकि कश्माला को पता था कि अगर ज़वार रास्ते से हट गया तो इसे नौशेरवा के निकाह में आना पड़ेगा। इस तरह इस नागन की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आप एक कैसी मायूब बात कर रहे हैं, हमें तो सोचकर भी घिन आ रही है। यही सच है बीबी सिंह। आप जवार से मरने से पहले मुझे इन बातों का इजहार कर चुके हैं कि कश्माला बीबी का रुझान जो है वो गजनवी साई की तरफ ज्यादा है। और ये इन सब बातों का इजहार वो अपनी डायरी में भी लिख चुके हैं। और हां से सरफराज के साथ डील करते हुए कश्माला बीबी को मैंने खुद देखा है। जब आप बेहोश थे तो ये स्टाम्प पेपर पे आपसे साइन करवा रही थी। फिर से स्टाम्प पेपर पे आपका अंगूठा भी इसने लगवाया। ये रहा वो स्टाम्प पेपर से, इस पे आपके अंगूठे के निशान है और ये मैंने इनके पर्स से निकाल लिया था।